स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों यार, आपको पता है कि देवागत जाने के बाद में उसके परिवार को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, पैसों की, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। आपको पता है कि देव भाई जब थे सारा काम संभाल रहे थे, उसके भाई बड़े भाई है लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे इस काम को। दोस्तों यार, आपको पता है कि देव भाई को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसको आर्थिक व्यवस्था से भी कोई सहयोग नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि देव भाई को आर्थिक सहयोग रहे ताकि उसको परिवार को मजबूती बनी रहे। दोस्तों यार, आपको पता है कि देव अगर जाने के बाद में परिवार को परेशानी हो रही है। आप दोस्तों यार, सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे देव भाई के परिवार को आर्थिक सपोर्ट करे ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। कोई भी परेशानी हो तो भी झेल सकते हैं, कोई वकील, कोई अच्छा काम, ताकि परिवार की मजबूती बनी रहे। तो ये नंबर दे दिए दोस्तों मैंने कि इस पे फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, खाते में डाल सकते हो। दोस्तों यार, देवों को परिवार को बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। मैं 36 को हमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे देव भाई को आर्थिक सपोर्ट करे। यार मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपोर्ट करे। हमारे बस्सी भाई ने भी यही बोला था और हमारे देव भाई का चैनल है देव गुजर कोटा नाम से, उसने भी कम्युनिटी डाल रखी है और देव भाई की एक इंस्टाग्राम आईडी, उसमें भी स्टोरी डाल रखी है, वहाँ से भी नंबर ले सकते हो। उस नंबर पर फोन पे कुछ भी करो, ये आर्थिक सपोर्ट करो यार। दोस्तों यार, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है और दोस्तों यार 36 कॉमर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कितनी भी हो उतनी डालो।